वैसे ना दानिश की तस्वीर देख के ना बड़ी हंसी आती है। ये हमेशा से ऐसी था या अब ऐसा हो गया? हमेशा से ही ऐसी था, लेकिन आजकल कुछ अलग सा हुआ है। तानिया की मंगनी के बाद? अपनी मंगनी के बाद। हाय, उसकी मर्जी की मंगनी नहीं थी क्या? अगर अपनी मर्जी की ना होती तो करता? वैसे ना मुझे इसकी समझ नहीं आती, ये हमेशा से ऐसी था या एक्टिंग करता है? एक्टिंग, वो भी इतनी शानदार। आपने भी तो एक्टिंग छोड़ दी। हाय गुड़िया, शोपीस बन बन के ना मेरा दिल भर गया था। और अल्लाह माफ करे, आजकल जिस किस्म की फिल्में ऑफर होती है ना, इससे तो बेहतर है बंदा किचन में बैठ के कंदुम पीसे। वैसे एहसान अंकल भी रोहान के साथ फिल्म बना रहे हैं। हाय, सिर्फ बर्गर ही देखेंगे ये फिल्म, नॉर्मल लोगों ने नहीं देखनी। हाँ, इधर ना लोगों को सनम जी स्टाइल की फिल्म चाहिए। वैसे हो सकता है इसमें मैं कुछ कर लूं। दानिया ने मुझे बहुत अच्छा मशवरा दिया, उसने कहा है सनम जी टीवी ड्रामा नहीं आपने करना, अब वेट करें थोड़ा, क्योंकि जो कम दिखता है ना वही बिकता है, समझी? सही कह रही है दानिया, आप कुछ दिन और वेट कर लें बस। मैं तो वेट कर ही लूंगी। तू मुझे बात बता, तू किस चीज का वेट कर रही है? क्या मतलब? दानिश की तस्वीर पे गौर ना कर, दानिश पे गौर कर।